में तस्करी के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई गई है। अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी यहां पर दिया है। तो भोपाल से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर कांग्रेस पहुंची हुई है और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम जुड़े हुए हैं। नीलम, कांग्रेस ने बकायदा शिकायत दर्ज कराई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर, वो पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई गई अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन कार्यालय पहुंच करके जो है इस बात की जानकारी दी है और शिकायत दर्ज करवाई है कि अमित शाह किस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों को धमका रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मामले को उठाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अधिकारियों कर्मचारियों को धमकाने का काम भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और इस मामले को कांग्रेस जो है हाथों हाथ ले रही है और प्रतिनिधि मंडल ने पहुंचकर जो है निर्वाचन आयोग में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जो अनुपम राजन है उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जो भी नियम के मुताबिक कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो अब देखिए बयानबाजी लगातार मध्य प्रदेश में चल रही है। आचार संहिता के उल्लंघन के बाद कांग्रेस हम देख रहे हैं कि लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर के कर रही है। चित्रकूट जब पीएम मोदी पहुंचे थे तब भी उस मामले को कांग्रेस ने उठाया कि आचार संहिता को उल्लंघन किया गया है और कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे तो उन्होंने जो जो जानकारी सामने आ रही थी अधिकारी कर्मचारियों को लेकर के बयान दिया है और उस मामले पर आज जो शिकायत भी निर्वाचन आयोग ने कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। चलिए नीलम, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए, लेकिन आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप जुड़े रहिए।